हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, सियासी तपिश बढ़ती जा रही है। इसके अलावा इन सब के बीच कांग्रेस में टिकटों के बंटवारे को लेकर हंगामा मचा हुआ है। वहीं अब इसको लेकर बीजेपी की राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने कांग्रेस को घेरा है। किरण चौधरी ने कहा, कांग्रेस में एक दूसरे के जूतम जूत लठम लठ हो रहे हैं। तमाम लोगों ने देखा कि आखिरी समय तक इनकी टिकट ही नहीं बंट पाई। कांग्रेस नेताओं ने अपने स्वार्थ की राजनीति की है, जिसके कारण हरियाणा में पार्टी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने अपने नेताओं को खत्म कर दिया है। अपनी ही नेताओं को खत्म करने वाली पार्टी आगे कैसे बढ़ेगी। हरियाणा में कांग्रेस बाप बेटे की पार्टी बनकर रह गई है। स्वार्थ की राजनीति करने वाले दूसरों को कैसे बढ़ने देंगे। कई ऐसे लोग हैं जो सालों से इनके साथ लगे हुए थे। उन्हें टिकट देने का वादा किया गया था, लेकिन उनके साथ धोखा किया गया। उन्होंने कहा, मैंने रामकिशन भौजू का वह बयान भी सुना कि तू जा और तैयारी कर, तेरा टिकट पक्का है। रामकिशन फौजी का कहना है कि उन्होंने वंशी लाल का घर छोड़ा और कांग्रेस में शामिल हुए। मुझे टिकट देने का वादा किया गया, लेकिन पार्टी ने मेरे साथ बदखिलाफी की। किरण चौधरी ने कहा कि कांग्रेस में क्षेत्रवाद हावी है। भिवानी को पाकिस्तान माना जाता था। कांग्रेस ने भिवानी के विकास को नजरअंदाज किया और सारा ध्यान रोहतक पर केंद्रित किया था। पार्टी में झूठ और स्वार्थ की राजनीति हावी होने की वजह से पार्टी के नेता एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए हैं। गौरतलब है कि हरियाणा में नई सरकार के गठन के लिए प्रदेश की सभी 90 सीटों पर 5 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। वहीं 8 अक्टूबर को चुनावी नतीजे घोषित किए जाएंगे। प्रदेश में एक तरफ बीजेपी सत्ता में बने रहने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस सत्ता में वापसी के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इन सब के बीच आम आदमी पार्टी भी हरियाणा में अपनी जमीन तलाश रही है।